कौन सा? मुरली है 18th January 1999। बाप दादा एक बात का फिर से अटेंशन दिला रहे हैं कि वर्तमान वायुमंडल के अनुसार मन में दिल से अभी वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। बाप दादा ने हर बच्चे को चाहे प्रवृत्ति में है, चाहे सेवा केंद्र पर है, चाहे कहां भी रहते हैं, स्थूल साधन हर एक को दिए हैं। ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसके पास खाना पीना रहना इसके साधन नहीं हो। जो बेहद के वैराग्य की वृत्ति में रहते हुए आवश्यक साधन चाहिए वह सबके पास है। अगर कोई को कमी है तो उसके अपने ये मुरली हमने पढ़ी है, ये अभी अभी चली हुई संडे की मुरली है। अगर कोई के पास कमी है किस चीज की, खाना पीना और रहना, तो वह उसके अपने अलबेलेपन या आलस्य के कारण है। बाकी ड्रामा अनुसार बाप दादा जानते हैं कि आवश्यक साधन सबके पास है। जो आवश्यक साधन है वह तो चलने ही है, लेकिन कहां कहां आवश्यकता से भी ज्यादा साधन है। साधना कम है और साधन का प्रयोग करना या कराना ज्यादा है। इसलिए बाप दादा आज बाप समान बनने के दिवस पर विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं कि साधनों के प्रयोग का अनुभव बहुत किया है, जो किया वह भी बहुत अच्छा किया है, अब साधना को बढ़ाना है। अर्थात बेहद की वैराग वृत्ति को लाना है। उदाहरण दे रहे बाबा, ब्रह्मा बाप को देखा लास्ट घड़ी तक बच्चों को साधन बहुत दिए, लेकिन स्वयं साधनों के प्रयोग से दूर रहे। होते हुए दूर रहना, इसे कहेंगे वैराग्य। वैराग्य की परिभाषा क्या दिया है, होते हुए भी दूर रहना। लेकिन कुछ है ही नहीं और कहे कि हमको तो वैराग है, हम तो है ही वैरागी, तो वह कैसे होगा? वह तो बात ही अलग है। सब कुछ होते हुए नॉलेज और विश्व कल्याण की भावना से बाप को स्वयं को प्रत्यक्ष करने की भावना से अभी साधनों के बजाय बेहद की वैराग्य वृत्ति हो। जैसे स्थापना के आदि में, दूसरा उदाहरण बाबा दे रहे स्थापना के समय का, स्थापना के आदि में साधन कम नहीं थे, लेकिन कौन सी भट्टी में पड़े, बेहद के वैराग वृत्ति की भट्टी में पड़े हुए थे। वह 14 वर्ष जो तपस्या की या बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल था, बाप दादा ने अभी साधन बहुत दिए हैं। साधनों की अभी कोई कमी नहीं है, लेकिन होते हुए बेहद का वैराग्य हो। मुरली है 18th January 1999। बाबा एक बात पर विशेष अटेंशन दिला रहे हैं कि वर्तमान वायुमंडल के अनुसार कहां वैराग हो, मन से दिल से अभी वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। ऐसा कोई नहीं है जिसके पास खाना पीना और रहना नहीं है। इन चीजों के लिए जितने साधन चाहिए उतने बाप दादा ने दिए हैं। अगर किसी के पास ये भी नहीं है तो ये उसका ही आलस्य है या उसका ही अलबेलापन है। तो चाहे प्रवृत्ति में रहते, चाहे सेवा केंद्रों पर रहते, साधनों के होते हुए भी साधना कम ना हो।
उदाहरण दो दिए हैं। सबसे पहला उदाहरण दिया है ब्रह्मा का, होते हुए दूर रहना, ये है वैराग। जहां राग का अभाव हो वो अवस्था है वैराग की। जहां राग नहीं है, जहां राग समाप्त हो गया है, छोटी छोटी कामनाएं भी यहां नहीं है। जिस जिस व्यक्ति से हम जब जब कामनाएं रखते हैं तब तक दुख की प्रतीति, दुख का अनुभव होता है। चाहे छोटी छोटी कामनाएं, छोटी छोटी एक्सपेक्टेशंस, आकांक्षाएं जब भी रखेंगे तब तक उसके साथ साथ उसके पिछाड़ी में दुख आएगा। जहां दुख है वहां पर वैराग नहीं हो सकता है। दो प्रकार से वैराग उत्पन्न होता है, एक दुख से वैराग उत्पन्न होता है, एक सुख से वैराग उत्पन्न होता है। कौन सा अच्छा है? एक दुख है, संसार में दुख है, कल की मुरली में था महान दुख का समय है ये। एक वैराग होता है दुख से उत्पन्न, संसार बहुत खराब है, वैराग। दूसरा वैराग की उत्पत्ति है सुख से, सुख है पर सुख पाने के बाद भी पता चला इच्छाएं तो पूर्ण हो गई परंतु फिर भी तृप्ति, अतृप्ति का भाव है। अतृप्ति, तृप्ति, तृप्ति हुई नहीं है अंदर। सुख पा लिया, एक वस्तु पाने की इच्छा थी, घर चाहिए, घर मिला, पहले भागदौड़ थी घर चाहिए की, मिलने के बाद मिल तो गया परंतु फिर भी तृप्ति नहीं आई। वैराग दो प्रकार के होते हैं, एक तो दुख है संसार में इसके लिए वैराग, दूसरा सुख से उत्पन्न वैराग। जो दुख से उत्पन्न वैराग होता है वो लंबा समय नहीं टिकता है। जो सुख से उत्पन्न वैराग है, सब कुछ है फिर भी वैराग, ये एक अलग प्रकार का वैराग है। बाबा यहाँ और एक बात कह रहे हैं कि जिसके पास कुछ है ही नहीं वो कहे मैं वैरागी हूँ, वो वैरागी नहीं है। वैराग तो उसके पास है जिसके पास सब कुछ है। हमेशा उदाहरण बुद्ध का यहाँ दिया जाता है। कोई भिखमंगा नहीं कह सकता कि मैंने राज्य का त्याग कर दिया, तुम्हारे पास है ही नहीं। वो बुद्ध कह सकता है कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया क्योंकि उसके पास है। तो सब कुछ है परंतु उससे दूर रहना, ये वैराग की परिभाषा है। हम बात कर रहे थे इच्छाओं की और कामनाओं की। हमारे हमारे लिए जगह रखना, जगह नहीं रखी दुख। तुम नीचे जा रहे हो, रुकना हम आ रहे हैं, हम लेट हो गए वो चले गए दुख। उधर जा रहे हो हमें भी जाना है, वो निकल गए दुख। सेवा है हम जल्दी पहुंच गए, तुम भी जल्दी आ जाना, वो जल्दी नहीं आया दुख। जहां जहां कामनाएं होगी साथ साथ दुखों को लेकर आएगी। कामनाएं एक दूसरे से हमारी बहुत एक्सपेक्टेशन है, बहुत ज्यादा। जो सेवा के साथी है उनसे तो बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा उनसे है। हमने कभी प्रकट नहीं की परंतु है अवचेतन में, अंदर ही अंदर एक्सपेक्टेशन से भरे हुए है। वही हमें बार बार दुखी करता है, हर बात में एक्सपेक्टेशन है। हमने सेवाएं की, मान मिलना चाहिए, कम से कम नाम तो लेना चाहिए था भाषण में कि हमने भी कुछ किया। भाषणों का सेवा समाचार सुनाया गया तब हमारा नाम ही नहीं है उसमें। उससे हृदय संतुष्ट नहीं होता है, हृदय नाम को मांगता है, नाम चाहिए। इंग्लिश में इधर आ जाए, तो जब तक आत्मा तृप्त उससे नहीं होती है, जब तक नाम उसे ना मिल जाए तब तक उसे तृप्ति नहीं होती है। सब कुछ होते हुए भी
दूर रहना, ये वैराग की परिभाषा है। बाबा कह रहे हैं इस बात को अंडरलाइन करो, रेखांकित इस बात को करो, सब कुछ है परंतु उससे परे, ये ही पुरुषार्थ है। साधन है परंतु साधना साधनों पर निर्भर ना हो जाए, और जितनी सूक्ष्म सूक्ष्म कामनाएं हैं हृदय में वो सभी साधना के मार्ग में बाधा है। सबसे ज्यादा कामना जिनके साथ काम करते हैं उनसे, सबसे ज्यादा कामनाएं जो घर गृहस्थी में हमारे आसपास के लोग हैं उनसे, लौकिक संबंधियों से, अलौकिक संबंधियों से, सबसे सबके प्रति हमारे मन में कामनाएं हैं, छोटी छोटी कामनाएं हैं। वो कामनाएं हमारे ही दुख का कारण है। किसी भी व्यक्ति से थोड़ी भी कामना रखना अर्थात दुख को आमंत्रण देना, इनविटेशन टू सॉरो। कामनाएं, अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशंस, ये सारी बातें जो है वो दुखी करती है, वैरागी बनने नहीं देती। ये मार्ग वैराग्य का मार्ग है, इस मार्ग पर हमें अकेला ही चलना है, इस मार्ग पर किसी को भी साथ नहीं लेके जा सकते। तो ये जो मार्ग है, किसी को भी साथ लेने की कोशिश की कि इसके साथ पुरुषार्थ अच्छा हो सकता है, ये अच्छा पुरुषार्थी है, इसको थोड़ा साथ लेकर चलते हैं, या किसी को पुरुषार्थी बनाने की कामना है, इच्छा है अंदर कि हम चाहते हैं ये बहुत अच्छा पुरुषार्थ करे, इसके ऊपर हम मेहनत कर रहे हैं, परंतु वो नहीं करता है, वो भी दुख को ही आमंत्रण देगा। क्यों नहीं पढ़ते तुम मुरली, क्यों नहीं कुछ करते, चलो आज इस मुरली का डिस्कशन करेंगे, 2 बजे करेंगे, ठीक है, हमने तो बहुत तैयारी की, पर उसने की ही नहीं तैयारी। भावनाएं तो बहुत अच्छी है परंतु हमें ही दुखी कर रही है, अब क्या करें, हमने तो तैयारी की, उसने की ही नहीं, हमने कहा कि ये इतने टाइम पर हम इसकी चर्चा करेंगे, तुम भी पढ़ के आना, हम भी पढ़ के आएंगे, वो पढ़ के ही नहीं आता है, या टाइम ही नहीं है, या बहुत सारे ऐसे कारण है कि जिसको कुछ किया नहीं जा सकता है। सेवाओं का सेवाएं बहुत सारी है कि ज्ञान के लिए समय नहीं है, सेवाओं में खो गए हैं। चिंतन के लिए हमारे पास समय चाहिए, चिंतन चर्चा जो ज्ञान की हो वो चिंतन को स्टिमुलेट करे, ट्रिगर करे अंदर। केवल मुरली पढ़ना, सुनाना, सुनना, केवल याद करना, उसको रटना और सुनाना, इससे कोई हलचल ना हो, आंदोलन उत्पन्न हो, क्रांति हो अंदर चेतना में, जब तक क्रांति नहीं होगी तब तक शांति नहीं होगी, ऐसे तो क्रांति हो, आंदोलित हो विचार, हलचल उत्पन्न हो, पता चले कि जो कुछ कर रहा हूं उसमें कहीं ना कहीं तो गलती है, तो फिर कुछ अच्छा करने की इच्छा उत्पन्न होगी। ये जो मार्ग है अध्यात्म का, सीधा मार्ग नहीं है, जिगजैग है, टेढ़ा मेढ़ा, घुमावदार, सर्पिन, सर्प की तरह, ऐसा मार्ग है ये, जिगजैग। शिखर इधर है, मार्ग सीधा नहीं है, हम जिगजैग है, कभी नीचे जाते कभी ऊपर जाते, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी दाएं कभी बाएं, कभी दक्षिण कभी उत्तर कभी पूरब, एक ही परिस्थिति बार बार उसी तरह की आती है, परंतु हमारी जो स्थिति है वो अलग अलग है, दृश्य एक ही है पर कभी यहां है तो कुछ और दिख रहा है, कभी ऊपर है तो कुछ और दिख रहा है, कभी उधर साइड है तो कोई और दिख रहा है। ये जो शिखर है, शिखर तो ऊंचा है परंतु जो मार्ग है वो भी ऐसा ऐसा है, जिगजैग, एक ही दृश्य, एल्टीट्यूड जिसको कहते हैं, ऊंचाई हर बार अलग अलग है। जब छोटे थे 10 साल के थे, बाद 5 साल के थे ज्ञान में, तब वो दृश्य ऐसा दिखता था, अभी थोड़े इधर निकले तो कुछ और दिख रहा है, तब जीवन में कोई दूसरा दुख था, वही परिस्थिति किसी और ढंग से दिखती थी, अभी पुरुषार्थ में आ गए तो उसी परिस्थिति को देखो तो कुछ और दिख रहा है।
चेतना का जो शिखर है बहुत ऊंचा है, उस तक पहुंचना है तो मन में मुरली है ये वैराग्य के ऊपर। जो भी सूक्ष्म सूक्ष्म कामनाएं हैं, एक्सपेक्टेशन है, आकांक्षाएं, इच्छाएं हैं, तृष्णाएं हैं, उनको पहचानना और समाप्त करना। संडे की मुरली में था ना परिवर्तन, परिवर्तन पर भाषण तो बहुत कर दिया, अभी चेक करो स्वयं का परिवर्तन, कितना स्वयं को परिवर्तित किया है उसकी चेकिंग। परंतु गिरती कला का परिवर्तन नहीं उसी मुरली में था, चढ़ती कला का परिवर्तन। परिवर्तन का नाम ही चढ़ती कला है। तो परिवर्तन, स्वयं को स्वयं देखना और उसको चेंज करना, टू अडॉप्ट न्यू बिहेवियर पैटर्न, टू अडॉप्ट न्यू पॉइंट ऑफ व्यू, एक नया दृष्टिकोण चीजों की तरफ देखने का, एक नया स्वभाव जो कि पहले नहीं था, अभी ज्ञान के आधार से उसकी स्थापना हुई है। जो वैराग हो वो दुख के कारण नहीं हो, दुखों से सीख कर, दुखों को समझ कर फिर वैराग उत्पन्न हो। एक चीज हमने की वो करने के बाद दुख की प्राप्ति हुई, परंतु दुर्भाग्य ऐसा है मनुष्य का कि वो सीखता नहीं है अनुभव से, बार 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 वही गलती करते रहता है और फिर दुखी दुखी होते रहता है। दुखी होना भी एक जैसे स्वभाव है, सुख मिल रहा है जैसे दुख मिला पकड़ लेता है उसको। 10 लोगों ने आके तारीफ की वो याद नहीं है, किसी एक ने निंदा कर दी उसको ऐसा पकड़ा कि दिन रात उसी का ही चिंतन है। अब ऐसा मुझे कहा, उसने कहा, ये भी पेन एब्जॉर्प्शन, शिवानी बहन कहते हैं ना एब्जॉर्बिंग पेन, पेन एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सोख लेते हैं दूसरों के दुखों को। तो वैराग अर्थात सब कुछ है परंतु सबसे परे, सबसे अलग। ये मार्ग पुरुषार्थ, इन वन वर्ड इज इंडिपेंडेंस, संपूर्ण स्वतंत्रता। संपूर्ण स्वतंत्रता ही संपूर्ण पवित्रता है, एक रीति से प्यूरिटी इज टोटल इंडिपेंडेंस, एब्सोल्यूट लिबर्टी, किसी पर भी निर्भर नहीं, किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं। इस मार्ग पर वो चले तो हम चले, जरूरत नहीं है किसी की। किसी मार्ग पर ये साधन मिले तो पुरुषार्थ हो, जरूरत नहीं किसी की। इस मार्ग पर ये वैभव मिले तो पुरुषार्थ हो, जरूरी नहीं है, किसी की भी जरूरत नहीं है। देह ठीक हो जाए तो पुरुषार्थ करूं, ठीक होने की जरूरत नहीं है। ये संकल्प ही कि वो ठीक हो तो करूं, कभी ठीक नहीं होगा, हमें ही ठीक करना है। इस मार्ग पर अकेले ही चलना है, कांटों भरा मार्ग है, खून आएगा। ऑन दैट ब्लड लाइन ट्रैक वॉक अलोन, वॉक अलोन, वॉक अलोन, एकला चालो रे, ये एक मार्ग मार्ग है, अकेले ही चलना है। कोई कहे रुको मैं आता हूँ, रुके ही रह जाओगे, वो पता नहीं आएगा नहीं आएगा, उसके कितने काम है, कितनी उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कब वो आएगा। मार्ग, समय कौन सा चल रहा है, बार बार घड़ी की तरफ देखो, समय की, समय नहीं रुक रहा है। मार्ग बहुत बड़ा है, समय बहुत कम है, किस किस के लिए रुकेंगे, हमें किसी के लिए रुकना नहीं है। जिसको आना है वो आएगा, जिसको चलना है वो चलेगा, जिसको पुरुषार्थ करना है करेगा, जिसकी बुद्धि का ताला जब खुलना है खुलेगा। हम नहीं रुक सकते किसी के लिए, हमें तो निकल जाना है आगे इस दौड़ में। अगर रुके तो दुखी होना पड़ेगा, ना तो वो पहुंच पाएगा ना हम पहुंच पाएगा। अगर हम ना रुके और चलते गए, शायद हमें देखकर वो भी भागने लगे एक दिन। तो इसके लिए एक है राग, एक है वैराग, एक है बेहद का वैराग, त्रिकोण बनाओ। एक एक जगह राग है, एक जगह वैराग है,
एक जगह बेहद का वैराग, जिसके लिए दूसरा शब्द शास्त्रों में दिया है वीतराग। वीतराग ये राग और वैराग दोनों से परे वह अवस्था को लाना है। केवल राग मिट जाना इतना काफी नहीं है, उसको कुछ और ज्यादा प्राप्ति हो जाए तो सब छूट जाए। इधर का दुख, दुखों से उत्पन्न जो राग वैराग है वो राग का शीर्षासन है। एक तरफ संसारी, एक तरफ गृहस्थी, एक तरफ गृहस्थी, एक तरफ सन्यासी। गृहस्थी विषयों में डूबा हुआ है और सन्यासी विषयों को छोड़ा हुआ है, पर विषयों का चिंतन करते रहता है, मैंने ये छोड़ा, मैंने ये छोड़ा, मैंने ये छोड़ा। अवस्था दोनों की ज्यादा अंतर नहीं है। एक ने सब कुछ पकड़ा है, एक ने सब कुछ छोड़ा है। जिसने सब कुछ पकड़ा है वो उसी का चिंतन कर रहा है, और जिसने सब कुछ छोड़ा है वो भी उसी का चिंतन कर रहा है। एक काम विकार में डूबा हुआ है, वो काम विकार का चिंतन कर रहा है। दूसरा है इस दंभ से भरा हुआ है कि मैंने काम विकार छोड़ा है, वो भी उसी का चिंतन कर रहा है, वो भी उसी स्त्री और उसी पुरुष का चिंतन कर रहा है। इन दोनों से ऊपर वितराग, वैराग, बेहद का वैराग। देह भी नहीं है, देह के संबंध भी नहीं है। जब तक देह की इच्छाएं और तृष्णाएं और वासनाओं से ऊपर निकलती नहीं आत्मा, इस मार्ग का कुछ भी समझ में नहीं आ सकता। ये सब सूक्ष्म है, ये भाग्य कम नहीं है, यह देन कम नहीं है, यह मिलन कम नहीं है। तीन वाक्य आए हैं अव्यक्त वाणी में। यह देन जो भगवान ज्ञान दे रहा है, चक्र का रहस्य कितना हमने समझा है, चक्र का ज्ञान कितना हमने समझा है। यह देन कम नहीं है, यह प्राप्ति कम नहीं है, दिव्य प्राप्तियां है। स्वयं भगवान अवतरित हो रहा है यहां पर, परमात्मा अवतरित होते हैं। सबसे पहली और बड़े से बड़ी प्राप्ति है, खास प्राप्ति ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी श्रेष्ठ जीवन है, खास प्राप्ति। इस प्राप्ति का मूल्य बहुत बड़ा है, कॉस्ट प्राइस बहुत बड़ा है। ऐसी ये प्राप्ति है, ऐसा ये भाग्य है। सारे चक्कर के अंदर फर्स्ट नंबर, मुरली की लास्ट लाइन पार्टियों की मुलाकात से पहले, ये भाग्य कैसा है? फर्स्ट नंबर का भाग्य है। ये सारी चीजें समझने के लिए जबरदस्त प्यूरिटी की आवश्यकता है, राग का अभाव चाहिए। जहां राग है, इच्छाएं है, कामनाएं है, देह के प्रति आकर्षण है, वहां केवल शब्द मात्र है ये सब बातें। वो जो मिलन जिसकी भगवान वर्णन कर रहे हैं कि तुम्हें खुद भगवान मिल रहा है, भगवान ओरिजिनल बच्चों को प्राप्त हो रहा है, संगम युग पर समय जो है उसको तुमने पाया है, पा रहे हो, पाते रहोगे। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, एक ही वाक्य में तीन। तो ये प्राप्तियां बहुत ही सूक्ष्म है, प्राप्तियां अदृश्य है, सूक्ष्म है। ये मिलन अव्यक्त है, सूक्ष्म है। यहाँ सब कुछ ही सूक्ष्म है और सब कुछ ही अदृश्य है। कामनाओं से भरे हुई आत्माओं को ये सब बातें अनुभूति में नहीं आ सकती। ये मार्ग तपस्या का है, वैराग्य का है। तो स्वयं को मौज का मार्ग, वो मौज अर्थात बेहद का वैराग, वो है सुख से उत्पन्न हुआ हुआ वैराग, वही सच्चा वैराग है। दुख से उत्पन्न जो वैराग है वो दुखों का ही चिंतन करते रहता है, उसमें संघर्ष है। उसमें बाबा ने कहा ना संडे की मुरली में, ब्राह्मण जीवन मुश्किल जीवन नहीं है, ये ज्ञान मुश्किल नहीं है, परंतु लड़ाई करने लग जाते हैं। ये योग भी क्या है, आत्मा परमात्मा का मिलन, ये भी मुश्किल नहीं है, नाचना और गाना है, परंतु स्थूल नाचना और स्थूल गाने से इसका कोई संबंध नहीं है। ये मन का नाच है, मन का नृत्य और मन का संगीत है। तो क्या सुना इसमें? वैराग, सब कुछ होते हुए भी दूर रहना अर्थात वैराग,
एक ब्रह्मा का उदाहरण, दूसरा 14 वर्ष की जो भट्टी में वैराग्य से भट्टी में पड़े, वो स्वतः ही वैराग, वैराग वो है जो स्वतः आ जाए, करने की आवश्यकता ना पड़े, अंदर से जब खाली हो जाता है। कबीर ने कभी कहा है कि कैसे बन जाओ उस बांसुरी की तरह, बांसुरी होती है ना, फ्लूट मुरली, वो खाली होती है, जब वो खाली होगी तब परमात्मा के अधर होठ उस पर लगेगी और संगीत निकलेगा, तब तक नहीं। जब उसमें बहुत कुछ भरा है संगीत नहीं निकल सकता है। जब ये भाव है कि मैं ये कर रहा हूं, ये मैं भी उसमें भरा है तो नहीं निकलेगा, इच्छा है उसमें है तो नहीं निकलेगा, सरेंडर जिसको कहते हैं। जीसस क्राइस्ट के शिष्य थे, उनमें बड़ी आशाएं थी कि ये कुछ चमत्कार दिखाएगा सूली पर, और उसने नहीं दिखाया, कोई चमत्कार नहीं दिखाया वहां पर। जीवन भर चमत्कार दिखाए पर वहां नहीं दिखाया। चाहता था तो क्या अपने आप को रोक नहीं सकता था? जो मरे हुए को जिंदा कर सकता है, जो बीमार को ठीक कर सकता है, अंधे को आंख दे सकता है, वो स्वयं को नहीं बचा सकता है? बचा सकता था क्या? इतना शक्तिहीन हो गया। वहां उसने प्रदर्शन किया स्वयं का परमात्मा के प्रति प्रेम। Thy will shall be done, मेरी नहीं तेरी। जाई विधि राखे राम, ताई विधि रहिए, जैसा वो रखे वैसा। वहां संपूर्ण सरेंडर का भाव था, वो वास्तव में वैराग्य था, रियल ट्रू डिवाइन रिनंसिएशन वो था, एब्सोल्यूट सरेंडर। कि अंदर खाली हो गया। संसार में शक्तिशाली कौन है? जिसमें जितना ज्यादा ईगो है वो शक्तिशाली है। संसार में शक्तिशाली कौन है? एग्रेशन जिसमें है, हिंसा जितनी है। संसार में शक्तिशाली जिसमें विल पावर जितना है, वॉयलेंस जितना है, एग्रेशन जितना है। अध्यात्म में शक्तिशाली वो है जहां नथिंगनेस है, संपूर्ण स्वयं को खाली कर दिया है, वो आध्यात्मिक रीति से शक्तिशाली है, क्योंकि वहां संपूर्ण सरेंडर का भाव है। मैं नहीं तू, मैं नहीं तुम, मैं नहीं कर रहा हूं, मैं तो केवल एक पैसेज हूं, एक मार्ग, बस कुछ भी नहीं हूं। वो है बांसुरी जैसा हो गया है, वो बजा रहा है उसे। सुदेश बहन ने एक बार इतना अच्छा उदाहरण दिया था, अभी अव्यक्त एक हफ्ता पहले ज्ञान सरोवर में साकार मुरली का क्लास हुआ था, उसमें उन्होंने कहा था कि बाबा ऊपर टंकी है, एक नल है और नीचे पानी पीने वाला है। जो निमित्त आत्माएं हैं, निमित्त समझना अर्थात नल समझना, ऊपर पानी है वो यहां से आ रहा है बस, हमारा क्या उसमें? अगर नल सोचे देखो मैं पानी दे, अरे तुम थोड़ी दे रहे हो, पानी ऊपर है टंकी में, नल यहाँ है, नीचे जो पी रहे हैं वो पी रहे। अगर नल सोचे कि मैं, नल ने कंट्रोल तो किया हुआ है ना, पानी सारे पर वो निमित्त भाव है, नल सोच, नल में कोई संकल्प नहीं है, वो कहता है बस ऊपर जो है वो आ रहा है, नल भाव है। तो स्वयं को निमित्त भाव का ये उदाहरण है, खाली कर दिया। वहां मैं नहीं है, अहंकार नहीं है, मैं ऐसा मैं वैसा, मैंने ये मैंने वो, मैंने ये भी किया मैंने वो भी किया, तुम हो कौन करने वाले, हु आर यू? संगम युग पर सब कुछ, सारी सेवाएं परमात्मा द्वारा हो रही है, उसकी कृपा दया आशीर्वाद। यहाँ जो बैठे हैं ये भी उसकी कृपा दया आशीर्वाद है। कोई समझे कि मैं कर रहा हूं तो गिर जाएंगे नीचे, वो भाव आते ही पुरुषार्थ समाप्त हो जाता है। सब कुछ उसके हाथ में दिया हुआ है, हमारा कुछ नहीं है, वो चला रहा है, उसको सेवा करानी थी कराई। अरे निमित्त का कहां से मैं, तुमको निमित्त बनाया है। बहुत बड़ा प्रसिद्ध गायक है हुए जो है भारत में, मोहम्मद रफी, जितने गायक आज तक हुए शायद इतना विनम्र शायद ही कोई होगा। उसने अपने बारे में एक बहुत अच्छी बात कही थी मोहम्मद रफी ने, कि अगर खुदा चाहता तो ये आवाज किसी और को भी दे सकता था, पर उसने मुझे दिया, ये आवाज मुझे दी, इसमें मेरी क्या बड़ाई है। लोग कहते तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है, कोई भी गीत तुम ऐसा गाते हो कि बस उसमें मधुरिमा, उसमें कितना माधुर्य है, उस आवाज में कितनी स्वीटनेस है। वो कहता है ये वो चाहता था, ये आवाज किसी और को भी दे सकता था, पर उसने मुझे दी, ये मेरा सम्मान किया है उसने, इसके लिए महिमा मेरी नहीं है उसकी है। बाकी गायक देखो बहुत मैं रहता है गायकों में भी, अगर चांस नहीं दिया जाए गाने का तो
महानता उस कैपेबिलिटी, उस एबिलिटी, उस विशेषता की नहीं है, भाव की है। कैसा वो भाव है हमारे अंदर। अच्छा, ओम शांति। सभी अलर्ट होके बैठ जाइए।